बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू दुबई रेजी सेंट्रल। एंड यू आर ऑन टू द फाइनली वी आर ऑन टू द मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा फाइलम्स। जो तीन फाइलम्स है, इसके बाद में आपके पास एक ही फाइलम बचेगा, दैट इज कोर्डेटा। और उसमें से भी जो क्लासेस हैं उनको हम एक बार में निपटाएंगे, तो फटाफट से आपका सिलेबस विदाउट एनी कॉस्ट खत्म कर रहे हैं हम लोग। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू दिस वीडियो। प्लीज स्टे अंटिल एंड, आखिरी तक इसको जरूर देखना। बहुत सारी चीजें जो आपको क्लियर होने वाली हैं। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की। सो आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है। और चलिए शुरू कर रहे हैं अभी हम इन तीनों फाइलम्स के बारे में। तब तक आप एक बार नीचे दिए गए ये लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को जरा सा प्रेस कर दो बच्चों, तो मुझे जरा मोटिवेशन मिल जाए और आपके सिलेबस को मैं इसी तरीके से तैयार करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम ये आर्थ्रोपोडा, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और ये जो लास्ट वीडियोस हैं, आप आई बटन से जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको यहां पर मिलेगा, या ऑप्शंस के मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल से। सो नाउ वी आर ऑन टू द फाइलम मोलेस्का। एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं नीट में, जो भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी का थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ा किंगडम फाइलम इज दैट फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा इज थ्रू 2/3, यानी हर तीन स्पीशीज में से दो स्पीशीज किसकी हैं, इंसेक्ट की हैं। इसके बाद बात किसकी आती है, मोलस्का की। और ये है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो मोलस्का जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और टेरेस्ट्रियल के साथ साथ एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक में भी मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों तरीके के। यानी बहुत से चांसेस इसके ये हैं कि मोलस्का जो है आपको लगभग हर जगह पर मिल जाएगा, बट ज्यादा कंडीशन है कि ये वाटर के आसपास रहना पसंद करते हैं, यानी बहुत ज्यादा इनको पानी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीटली दे आर डेवलप्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी जो एक कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है, और अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड यानी अभी जो हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था, सेगमेंट में डिवाइडेड थी बॉडी। एनिलीडा में देखा था बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड थी। क्या बोलते हैं उस फिनोमिना को, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो यहां पर मेटामेरिज्म किसी भी तरह का देखने को नहीं मिलता है। और हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ये तीन तरीके की चीजें जो है वो डिवाइडेड होती हैं इनकम्प्लीट बॉडीज के अंदर। सो ये आपके पास है एक डायग्राम जिसको बोलते हैं पायला, या जो शंख होता है वो ये शंख है। ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इसका प्रेजेंट होता है मस्क्यूलर फुट, प्लस इसी के अंदर प्रेजेंट होता है इसका हेड। तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा। सो ये होती है इसका अपर हम्प, एंड इट हैव सॉरी फॉर अ लिटिल डिस्टर्बेंस, जो ये हम्प है इसी से इसका मास्कुलर फुट निकला हुआ होता है इस तरीके से, और यहां पर प्रेजेंट होता है इसका हेड। ठीक है, अब विसरल हम्प कौन सा है, दिस इज द विसरल हम्प जो प्रेजेंट है इन मोलस्क के पास। ठीक है, पहला ऐसा देखा गया है जिसके पास कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। हाँ, एक चीज और, जो फाइलम सीलेंट्रेट्स थे उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो कोरल ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास हमें देखने को मिलता है दिस कोरल रीफ के अंदर, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। सो इनके पास भी कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है, बट नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस हैविंग, क्योंकि ऑक्टोपस के पास स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, और ना ही इनके पास कैलकेरियस शेल होता है। ठीक है जी, अब इसमें भी देखेंगे अगर, तो ये इसका है हेड पोर्शन, ये इसके जो फुट हैं दीज आर मस्क्यूलर फुट, एंड जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है जहां इसकी आप आंखें और ये सब देख पा रहे हैं, दिस इज विसरल हम्प। ये तीन रीजंस होते हैं इसके पास। ठीक है, सो सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। सबसे पहले हमने बात करी कि जो ये विसरल हम्प है इसके अंदर ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो स्किन का एक ऐसा ऐसी स्किन ऐसी लेयर स्किन की जो सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, वो प्रेजेंट है। और उसके बाहर होता है क्या,
ये कैलकेरियस दिस शेल, और यू कैन से द एक्सोस्केलेटन। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी विच फेदर्स लाइक गिल्स एंड आर गिल्स आर प्रेजेंट। अब जो ये हम्प है, यानी जो इस पर्टिकुलर कैलकेरियस बॉडी के अंदर, कैलकेरियस सेगमेंट के अंदर जो भी इसकी बॉडी का पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उन दोनों के और इस कैलकेरियस शेल यानी एक्सोस्केलेटन के बीच में कैविटी होती है, और ये कैविटी एक्ट किस तरह से करती है? दिस कैविटी एक्ट्स एज गिल्स। ओके, सो यहां पर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए एक चीज, दूसरा होता है इसके पास एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। सो ये अपने जो माउथ पार्ट है, जो हेड पार्ट है, वहां से करते हैं अपटेक, और जो प्रीवियस जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां से कर देते हैं ये एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शंस इनके पास वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी रेस्पायरेशन किसके हेल्प से करेंगे? ये गिल्स के हेल्प से करेंगे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यानी इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने स्नेल देखा है तो वहां पर जो यहां पर आप देख पाएंगे ये है इसमें स्नेल, ठीक है। ये जो अपर जो आपके पास इमेज दिखाई गई है, दिस इज स्नेल, और जो एंटीना टाइप के आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स नोन एज टेंटिकल्स। किस चीज के लिए होंगे? ये सेंसरी होते हैं, ये सेंस कर सकते हैं। और इसके बाद है माउथ में रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेडुला, और रेडुला जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक सो, जो ये रेडुला होता है, दिस रेडुला इज फाइल लाइक, फाइल का मतलब क्या है? आरी होती है, ठीक है। सो ये जरूरत इसकी किस लिए पड़ती है? दिस इज फॉर कटिंग, ठीक है, दिस इज फॉर कटिंग। अलावा इसके ये जो ये ऑर्गन है ये होता किस चीज का है? दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, सो दिस इज काइटिन, और यू कैन से द काइटिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट का होता है माउथ के अंदर, टंग की जगह पर ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये थी बात आपके पास किंगडम मोलेस्का की। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं आपके पास। अच्छा हाँ, इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इनके अंदर एक लार्वल स्टेज होती है, और इसके बाद डायोशियस होते हैं, यानी सेक्सिस जो है वो सेपरेट होते हैं, और ओवीपेरस यानी ये एग ले करते हैं। एग्जाम्पल्स आएगा इसके आपके पास पाइला या एप्पल स्नेल जिसको बोला जाता है, पिंकटाडा विच इज पर्ल ऑयस्टर, सेपिया विच इज कटल फिश, इट इज लॉलीगो विच इज स्क्विड, ऑक्टोपस विच इज डेविल फिश, अप्लाइजिया विच इज सी हेयर, एंड डेंटेलियम और यू कैन से दैट इज केटो प्लूरा। ओके, क्लियर। सो दिस कंडीशन इज ऑफ किंगडम मोलस्का। नाउ वी हैव फाइलम इकाइनोडर्मेटा, नॉट किंगडम मोलस्का, सॉरी, इट इज फाइलम मोलस्का। नाउ वी हैव फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो देखिए बच्चों, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, छोटा सा 10 सेकंड का टाइम आपका लूंगा। उसमें जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द हैबिटेट, हैबिटेट से शुरू करिए, फिर उसकी हैबिट्स पे आइए, फिर उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर पे आइए, फिर उसकी ब्लास्टिक लेयर्स पे आइए, ब्लास्टिक लेयर के बाद आप उसकी बॉडी सिमेट्री, फिर उसके सिलोम, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स करते चले जाइए चीजों को, और लास्ट में बिल्कुल उसके एग्जांपल्स लिखकर। और हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये, या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात आपके पास इकाइनोडर्मेटा की, और इसके अंदर एस्टेरियस विच इज स्टार फिश। इट इज स्टारियस और स्टार फिश, क्लियर। नाउ दे शो अ फिनोमिना ऑफ रीजनरेशन। इनके पास इकाइनोडर्म्स के पास और पर्टिकुलरली स्टार फिश के पास एक बहुत बड़ी सी एक रीजनरेटिंग पावर होती है, बहुत अच्छी सी पावर होती है, जिसका मतलब अगर ये हिस्सा कहीं से भी कट जाता है, सो ये जो बॉडी है ये इस पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर सकती है, इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। ओके, क्लियर। द एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा था मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के पास या तो स्केलेटन प्रेजेंट नहीं था, हार्ड स्केलेटन, और अगर प्रेजेंट था तो वो बाहर प्रेजेंट था, और दैट इज नॉट मेड अप ऑफ कैलकेरियस विच इज कैल्शियम डिराइव्ड, ठीक है। एक पिछला फाइलम आया था मोलेस्का, और एक हमने सीलेंट्रेट्स में देखा था कोरल के पास,
कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन देखा गया था। अब पहली बार हमें यह देखने को मिल रहा है कि स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, द स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, द स्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। देन नेम ऑफ इकाइनोडर्मेटा विच आर स्पाइनी बॉडीज। ठीक है, रीजन इसका क्या है, दे हैव स्पाइनी बॉडी। सो इकाइन इज फॉर स्पाइन एंड डर्मेटा इज ऑफ फॉर द डर्मल लेयर और यू कैन से द स्किन। इकाइनोडर्म्स जितने भी होते हैं सारे के सारे मेराइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके पास रेट्रोग्रेसिव कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, सब प्रोग्रेसिव होंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स के पास रेडियल सिमेट्री होती है बट लार्वा जो है बायलेटरल सिमेट्री कैरी करता है। अभी तक हमने क्या देखा था, एक ऑर्गेनिज्म तो एक टाइप की सिमेट्री, अब आती है एक से ज्यादा टाइप की सिमेट्री, यानी जो लार्वा है वो होता है बायलेटरल इनसिमेट्री और एडल्ट जो है वो होता है रेडियल सिमेट्री। तो यहां से आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, इस एसटीआईएस को जिस भी तरफ से हम काटेंगे दिस विल बी इक्वली डिवाइडेड, सो दिस इज रेडियल सिमेट्री। ओके, ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है और माउथ जो प्रेजेंट है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड और एनस जो है वो अपर साइड पे प्रेजेंट होती है। तो अगर ये जो डायग्राम आप लोगों के पास दिया हुआ है इसको अगर मैं लोअर साइड मानता हूं देन माउथ इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड एंड एनस विल बी प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑन अपर पोर्शन। ठीक है, ज्यादातर फीडिंग किस तरह की है, ज्यादातर फीडिंग है इस इनकी ये बॉटम लेयर ऑर्गेनिजम्स है और बॉटम लेयर ऑर्गेनिजम्स में भी पर्टिकुलर क्या चीज रहती है, दे जस्ट क्रिपल क्रिपल करते हैं, मतलब दे जस्ट कीप ऑन वॉकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियन। अब आती है बात इकाइनोडर्म्स के सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर की, यानी जो सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्म्स के अंदर देखा गया है, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये हेल्प किस चीज के लिए करेगा, ये हेल्प करेगा लोकोमोशन के लिए, कैप्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, सब चीजों के लिए हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एक जगह से वाटर को अपटेक किया जाता है, इनहेल किया, यू कैन से अपटेक, यस अपटेक इज द करेक्ट वर्ड, सो अपटेक किया जाता है और दूसरी जगह पर उसको फोर्स के साथ बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज वर्किंग लाइक अ प्रोपेलर, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो प्रोपेलर की तरह काम कर रहे हैं और ये इन चारों लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन सब चीजों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अपटेक कहां से करते हैं, ये वॉटर को ये अपटेक करते हैं पर्टिकुलरली माउथ के थ्रू और जो बाकी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके हेल्प से, जिस भी डायरेक्शन में इन्हें मूव करना होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सफुल वॉटर को एक्सपेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम, पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम एनएस है बट पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सेल्स सिस्टम इज एब्सेंट, सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी ये मोनोशियस कंडीशन, सॉरी डायोशियस कंडीशन है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होती है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, यानी द गैमेट्स ऑफ मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन टू द वॉटर वेयर दे फ्यूज जाइगोट फॉर्म्स। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है जहां पर जो लार्वा है वो प्री स्विमिंग होता है। अब देखो एक सिंपल सी चीज, लार्वा के और इकाइनोडर्म से बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, सो लार्वा बिटवीन दिस लार्वा एंड दिस वी हैव अ मेजर डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, द डिफरेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द डिफरेंस ऑफ सिमिट्री, किस चीज का, सिमिट्री का डिफरेंस था। अब सिमिट्री का डिफरेंस का मतलब क्या है, जो लार्वा था वो बायलेटरल सिमेट्री, जो एडल्ट है वो सेकंड द टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री कैरी करता है। ठीक है, अभी इसमें एक डिफरेंस और है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एडल्ट जो है वो क्रीपिंग टाइप होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं बाय यूजिंग वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, बट लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, लार्वा इज द फ्री स्विमिंग। क्लियर, स्टारफिश आते हैं इसके अंदर, सी अर्चिन्स आते हैं, सी लिली और क्यूकुमेरिया, देन वी हैव ओफायरुआ, ओफायरा, ओके सॉरी, देन वी हैव द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वी हैव द फाइलम ऑफ हेमिकोर्डेटा, अर्लियर कंसीडर्ड सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। नाउ अब से पहले
इस पर्टिकुलर हेमी कोर डेटा का मतलब क्या है? हेमी कोर डेटा का मतलब है जिनके पास आधी जिंदगी नोटोकोड होती है, आधी जिंदगी नोटोकोड नहीं होती। नोटोकोड क्या होती है? दैट इज द डोर्सल कोड, और यू कैन से द डोर्सल बोनी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। सो ये हेमी कोर डेटा। हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ नहीं होती, डिसअपियर हो जाती है। वो बाद में भी हो सकती है, वो पहले भी हो सकती है। तो देखते हैं कैसे। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। यानी अब अगर बात करें हम सिलोम ऑर्गन सिस्टम यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ब्लास्टिक लेयर्स की और सिलोम की, तो ये रेट्रोग्रेसिव कंडीशन में तो नहीं जाने वाले। ठीक है, फाइलम चाहे छोटा हो, फाइलम चाहे बड़ा हो। अब बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ थ्री पर्टिकुलर सिस्टम्स। वन द प्रोबोसिस, नाउ दिस इज नोन एज द प्रोबोसिस। सेकेंड वी हैव इज अ कोलर, एंड दिस फाइनली इज अ ट्रंक रीजन। ठीक है, बाकी जो जो सिस्टम बचा, दिस इज ट्रंक। एग्जाम्पल इसमें सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला ये एक ही एग्जाम्पल है, बुलेनोग्लोसस। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, नॉट क्लोज टाइप, ओपन टाइप। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सिस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी डायोशियस कंडीशन है, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इसमें बुलेनोग्लोसस या सेकोग्लोसस। अब बात आती है यहां पे, जो मैंने बताया था हाफ लाइफ इनके पास कोड नोटोकोड होती है, बाकी लाइफ इनके पास नोटोकोड नहीं होती, तो उसका क्या मतलब है? सो ये जो कंडीशन है जिसका मतलब है कि ये हेमी कोडेड क्यों कहलाते हैं, तो हेमी का मतलब होता है इनके आधे जो जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं कोडेड्स के साथ, और बहुत से इनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्यादा मैच करते हैं मोलस्का ऑर्गेनिजम्स के साथ या इकाइनोडर्मेट्स के साथ। सो दिस इज अ सिस्टर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से सिस्टर फाइलम ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब रीजन क्या है, इनको कोर्डेट क्यों बोला गया? तो सबसे पहले तो हमने देखा यहां पर इनके पास क्या है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव गिल स्लिट्स। ओके, सो नाउ इफ दे आर हैविंग गिल स्लिट, इट इज अ वेरी कैरेक्टर ऑफ कोर्डेटा फाइलम। बट दे डू नॉट हैव एनी नोटोकोड प्रेजेंट, और दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बट इन देयर कोलर रीजन एंड इन देयर प्रोबोसिस रीजन देयर इज अ कोर्ड प्रेजेंट विच इज नोन एज स्टोमोकोर्ड, विच इज नोन एज स्टोमोकोर्ड। नाउ व्हाट स्टोमोकोर्ड डू, इट होल्ड अब ये स्टोमोकोर्ड रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इनके नर्वस सिस्टम को होल्ड करने के लिए। अब अगर ये नर्वस सिस्टम को होल्ड करती है, और अगर नोटोकोर्ड भी नर्वस सिस्टम को होल्ड करती है, तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, बट ये इनके सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, कंप्लीट बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सो इनका पीछे का जो ये पोर्शन है, इसको हम डायरेक्टली कभी भी टेल नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी इनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं है, बट इनके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और एक सिमिलर नोटोकोर्ड से सिमिलर स्टोमोकोड प्रेजेंट है, तो इन्हें आधा दर्जा दिया गया। हाँ, पहले ये कोर्डेट्स में होते थे, बट जब ये फाइनल हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा स्ट्रक्चर जो इनको कोर्डेट्स बना सकता है प्रेजेंट नहीं होता, तो इन्हें अलग से निकाल दिया गया। क्लियर है? अब बोला ये जो बोलेनोग्लोसस है, इसको बोला जाता है, इसके लार्वा को नाम दिया जाता है टोर्नेरिया। ओके, तो बोलेनोग्लोसस इज नेम्ड एज टोर्नेरिया। एंड विद दिस बच्चों, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज 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 प्लीज, प्लीज। जो नीचे आपके दिख रहा है अभी, इसको जरा सा एक बार प्रेस करके देखो, बड़ा मजा आएगा आप लोग को भी और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, एक्सट्रीम नाइट, आफ्टरनून, जब आपका जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ईयर से
अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में दिए नंबर्स और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके मुझे कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, हैव अ नाइस लाइफ टाइम अहेड।